मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल की बड़ी लापरवाही के कारण नासिर का शव पहुंचा शमशान और राम प्रताप का शव पहुंचा कब्रिस्तान। राम प्रताप के परिवार वालों ने शमशान में जब सबका चेहरा देखा तो अस्पताल वालों की पोल खुल गई। दोनों को ही कोविड के चलते हुई थी उनके शवों की फेरबदल। फेरबदल के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने कॉस्मोस अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें कि आज मुरादाबाद के कांट रोड स्थित कॉस्मोस अस्पताल में कोरोना के दो मरीजों की मृत्यु हुई थी, जो कि एक मुस्लिम समाज का शव था और दूसरा हिंदू समाज का। सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना मरीज के शव को अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से सील कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसी के कारण आज दो लोग अलग अलग समुदाय के शवों में फेरबदल हो गया। हिंदू का शव मुस्लिम समाज के लोगों को दे दिया गया और मुस्लिम का शव हिंदू समाज के लोगों को दे दिया गया, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और परिजनों में हंगामा मच गया और अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया। अस्पताल प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। किसी की गरीबी का पता ना इंसानियत का पता, इन्होंने बिल्कुल उतार के रख दिया अस्पताल वालों। अगर हम लोगों का आपस में प्यार ना हो तो ये कितना बड़ा मामला है। हम अंदाजा लगाए इसका, प्रशासन भी नाक में दम हो गए इस मामले से। दोनों को ही जो ओरिजिनल पक्ष है उसको उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर में हस्तक कर दी है। जहाँ तक ये मामला है कि बॉडी एक्सचेंज कैसे हुई, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ट्रिपल लेयरिंग की पैकिंग होती है, इसलिए जो अस्पताल प्रशासन से भूल हुई उसकी जाँच करा करके जो भी दोस्तों नहीं कराया और गाड़ी बंद करके हमें सीधे मोक्ष धाम के तरफ रवाना कर दिया। चार घंटे मोक्ष धाम में लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने चिता सजाई, लकड़ियां लगाई, उसके बाद जब हम बॉडी को रखने चले तो बॉडी का साइज और लंबाई हमारे पेशेंट से बहुत ज्यादा कम थी, उसका वेट भी कम था। तो जब वो बॉडी को हमने देखा तो कि वो नौजवान की बॉडी थी जिसकी उम्र 40 और 45 साल की थी और हमारे जो पेशेंट की उम्र थी वो 61 वर्ष की बॉडी थी। तो जब हमने इस बात का अस्पताल वालों से कॉन्टेक्ट करा कि भैया आपने ये हमारी बॉडी नहीं दी है, हमारी बॉडी कहाँ है, तो उसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कहते हुए हमें डांट दिया कि कोविड का मामला चल रहा है, जो बॉडी हमने आपको दी है चुपचाप उसी का दाह संस्कार करो और चलते बनो। जब हमें इस बात का बुरा लगा, मैंने कि भैया ये तो किसी नासिर साहब की बॉडी है, इसकी भी तो माँ तड़प रही होगी अपने लाल के लिए। तो ये लोग ये चाहते हैं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं एक मुसलमान को जला दूं और एक मुसलमान मेरे हिंदू भाई को दफन कर दे। अभी अभी क्या चल रहा है प्रोसेस? अभी ये चल रहा है तो मैंने प्रशासन की मदद ली। मैंने एक तुम्हारे नंबर पे जब फोन किया तो प्रशासन ने अपनी सारी मुस्तैदी छोड़ के बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने अपनी बिल्कुल एड़ी तक का झोल लगा करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन उससे कॉस्मोस के अस्पताल वालों से जो रेस्पेक्टेड व्यक्ति है उनसे बात करी है, उसके बाद उसका नंबर वगैरह लिया है। दूसरी अभी बॉडी आपकी कैसे? बॉडी हमारी दफन कर दी गई है चक्कर के मिलक कब्रिस्तान में। अब वो हमारी बॉडी को प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। जब हमें बॉडी वो मिल जाएगी तो तब जाकर के हम उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। क्या हुआ आज पवित्र जी? आज ये हुआ भाई साहब, हमारा पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हमारे टीचिंग के वो थे मरीज, और उसको उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई आपके पेशेंट की, ठीक है। डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप आज इनका फ़ोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम आप बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं क्या यही हमारी बॉडी है, तो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा मोक्ष धाम पहुंचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया, इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में,
जब हमारे चार घंटे के बाद नंबर आए और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। वो भी इतना चेहरा दिखाया था। उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी। ये क्या करा आपने उसके बाद? उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, पोस्टमार्टम वालों से कॉन्टेक्ट करा, हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और आप ज्यादा वकालत मत छाड़िएगा। अब दूसरी बॉडी आपको पता चली कहाँ है? ये हमें नहीं बता के दिया हमने कि भैया जब दो डेथ हुई आज तो दूसरी पार्टी का आप हमें नंबर दे दीजिए, कि भैया वो नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड का मामला, इसलिए हम आपको नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कहकर के हमें टाल दिया और हमसे ये कहने लगे कि जो बॉडी हमने दी है भैया उसी का अंतिम संस्कार करो और अपने घर को जाओ। अभी कहाँ है आपकी बॉडी जो आपके? अभी हमारी बॉडी जो है, हमें ये पता चला, फिर हमने पुलिस का मदद ली, प्रशासन की मदद ली, तो प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए, इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ये पता चला है कि जो बॉडी हमें दी गई थी वो किसी नासिर नाम के व्यक्ति की थी जिसकी उम्र 45 साल है और वो रामपुर का निवासी है, और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उस नासिर के परिवार वालों को सौंप दी गई जो रामपुर के निवासी थे। अब बॉडी बदली जा रही है? अब बॉडी बदली आ रही है, वो भी प्रशासन के प्रयासों से बदली आ रही है, ना कि अस्पताल वालों ने कोई कोऑपरेट किया। अस्पताल वालों ने हमें 1% कोऑपरेट नहीं किया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि पता ना कौन किसकी बॉडी जला रहा है और कौन किसकी बॉडी को दफन कर रहा है। ठीक है, जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी हुई है, उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में, जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी, उसको उनको उनके परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, क्योंकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ कोविड डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अनुरूप, तो उसमें हो सकता प्रशासन, अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जाँच करा करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की।